लेकिन मछली मुद्दा बन गया। आप कह रहे हैं बेरोजगारी मुद्दा है, यहाँ तो मछली मुद्दा बन गया तेजस्वी। एक बात सब लोग स्पष्ट हो रहे कि कई दिनों से, तीन चार दिनों से हम लगातार मुकेश सहनी जी के साथ जा रहे हैं, है ना? और हमने अभी ट्वीट भी किया है, ये हम जानते थे भाजपा वाले कुल लोगों को मिर्ची लगेगी, इसलिए हमने आईक्यू टेस्ट जो है वो किया था। आप ट्वीट में जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है, 8 तारीख का तारीख उसमें मेंशन है। और हमने जो आईक्यू टेस्ट जो लिया भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही, है ना? तो ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं, मुद्दे की बात जो है वो करते नहीं। हम आईक्यू टेस्ट ले रहे थे इसलिए पोस्ट मछली आप तो बोल रहे हैं, कांटा कहाँ अटक गया? आप देखिएगा ना, इतनी प्रमुखता से भाजपा वाला बेरोजगारी पे बोलता है क्या, पलायन पे बोलता है क्या, गरीबी पे बोलता है क्या, लेकिन इन सब चीजों पे कैसे कूद कूद करके लोग आ रहे हैं, कितने लोग कूद कूद करके आ रहे हैं। तो जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं बिना पढ़े लिखे, बिना ट्वीट को देखे हुए कुछ भी बोल सकते हैं, अरे हम लोगों को नहीं पता है कि क्या चल रहा है। नहीं वो कह रहे हैं कि आप मौसमी सनातनी लोग हैं ना भाई, यही तो साबित हुआ ना आईक्यू टेस्ट में। आप अगर ट्वीट पढ़े होंगे तो उसमें डेट का मेंशन है, तो कोई भी व्यक्ति जब डेट का मेंशन हो तो इस तरह की बात तो करेगा नहीं। और आप लोग तो सब लोग देख रहे हैं कि कितने दिनों से हम जो है मुकेश सहनी जी के साथ जा रहे हैं। ये तो एक केवल टेस्ट था कि लोगों को भाजपाइयों का सच्चाई जो है वो पता चले। तेजस्वी के टेस्ट में हम लोग होगी पास हो गई, आप जज हैं, उसमें डेट मेंशन था और कितने प्रमुखता से सब चिल्ला चिल्ला करके सब बोल रहे हैं इस विषय में। तो यही तो कह रहे हैं, ये मुद्दे की बात नहीं करते, समाज में जहर बोने की बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।